अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने अपने घरों में खुश और आबाद रखे। आज हम बनाने लगे हैं क्रिस्पो सवैयाँ, जिनको हम खुश्क सवैयाँ या खेस की सवैयाँ बोलते हैं। इनकी को मैं साथ साथ आपको इसकी बताती जाऊंगी क्वांटिटी। इसमें हमने आधा कप जो है वो हमने देसी घी का लेना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आधा कप देसी घी का लेके उसको हमने थोड़ी देर के लिए इसको मेल्ट होने देना है। उसके बाद फिर मैंने इसके अंदर इलायची पाउडर जो है वो इसके अंदर डाल दिया, आधी चम्मच से भी, हाफ टी स्पून जो है वो हमने इसके अंदर इलायची पाउडर डाल दिया। उसके बाद फिर हम इसको थोड़ी देर के लिए हल्का सा इसको फ्राई करेंगे। फिर उसके बाद हमने अपनी ये सवैयाँ जो हैं, ये वाली मैंने सवैयाँ ली हैं, ये मैंने दो पैकेट्स लिए हैं सवैयों के, और एक ये वाला बाउल जो है ये बन गया है। तो ये एक बाउल ये मैं इसके अंदर डालने लगी हूँ। क्वांटिटी मैं आपको इसके साथ साथ बताती जाऊँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हम इनको फ्राई करेंगे 5-10 मिनट के लिए, हमने इनको फ्राई करना है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने अलग से इसके लिए कोई पानी शानी वो नहीं करना, हमने सारा कुछ जो है हमें इस तरीके से इसको बनाऊंगी जैसे चावल बनाते हैं, मैंने इनको उस तरीके से तैयार करना है। पहले हमने इनको फ्राई कर लेना है, थोड़ी देर फ्राई करेंगे। फ्राई करके इसका थोड़ा सा कलर जब चेंज हो जाएगा उसके बाद फिर हमें बताऊंगी कि इसके अंदर हमने क्या करना है। व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोज़ अच्छी लगें तो मुझे लाइक कीजिएगा और मुझे सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा, और मेरी वीडियोस को एंड तक देखा करें, स्किप मत किया करें। इनका कलर जब थोड़ा सा वाइट कलर की जब ये होने लगेंगी उस टाइम फिर हमने इसके अंदर चीनी डालनी है। लेंगे तो हमारी सवैयों का जो कलर है वो अच्छा भी नहीं आएगा और ब्लैक हो जाएगा। बहुत मज़े की ये सवैयाँ बनती हैं, आप लोग मेरे तरीके से ज़रूर ट्राई कीजिएगा और फिर मुझे बताइएगा कि आपको कैसी लगी। ये देखिए व्यूअर्स, इसका कलर आप देख सकते हैं, थोड़ा थोड़ा कलर इसका चेंज हो रहा है, और फिर हमें वो टेस्ट नहीं आएगा जो हम इसका चाह रहे हैं। व्यूअर्स, इनका कलर देखें चेंज हो गया है। अब हम इसके अंदर, ये हमारा एक बाउल जो था, एक बाउल हमारा ये सवैयों का था, अब हमने इसके अंदर इतनी चीनी डालनी है, हाफ जो है वो बाउल हम इसके अंदर चीनी का ऐड करेंगे। आप देख सकते हैं इसमें हमने चीनी हाफ ऐड करनी है। ये व्यूअर्स, हम लोगों ने ये चीनी जो है वो हमने ले ली है, इसमें हाफ जो है वो हाफ बाउल चीनी का हम ऐड करने लगे हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अब हमने इनको थोड़ी देर के लिए फ्राई करना है। आँच हमने बहुत तेज़ नहीं करनी, मीडियम आँच हमने रखनी है। हल्की आँच पे ही सवैयाँ ज़्यादा मज़े की बनती हैं, ज़्यादा तेज़ आँच करने से हमारी सवैयाँ जो है वो ख़राब हो जाती हैं। अब हमने इसके अंदर पानी ऐड करना है, जिस तरह हम चावलों के हिसाब से पानी लेते हैं, अगर एक कटोरा पानी चावल का होता है तो उसके अंदर हम 1.5 कटोरा जो है वो पानी ऐड करेंगे। तो अब हमने 1 कटोरा ही जो है सवैयाँ ली है, और उसके अंदर हम 1.5 कटोरा जो है वो 1.5 बाउल जो है ये वाला, ये हम इसके अंदर ऐड कर रहे हैं। इसके बाद हमारे पास जब हम इसमें पानी ऐड कर देंगे तो उस वक्त हमने इसकी आँच जो है वो थोड़ी तेज़ कर देनी है, ताकि सवैयाँ जो है वो अच्छे तरीके से ऊपर फ्राई हो जाए और उनको अच्छी तरह उबाल आ जाए। जी व्यूवर्स, अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उनको लाइक कीजिएगा, और अपने फ्रेंड्स को और अपने फैमिली मेम्बर्स को
भी कहिएगा कि वो भी मुझे सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। जब तक इनका पानी ड्राई होता है हम आपसे थोड़ी देर बाद मुलाकात करते हैं। जी व्यूअर्स, आप लोग देख सकते हैं इसका कलर जो है, इनका पानी जो है हम ड्राई होने वाला है। आज हमने तेज़ की हुई है ताकि इसका पानी जो है वो खुश्क हो जाए, उसके बाद फिर हम इसको दम लगा देंगे। अभी हमने इसके अंदर एक चीज़ और भी ऐड करनी है। अभी आप लोगों ने मेरे साथ साथ रहना है, वीडियो को स्किप मत करिएगा। अभी हम इसके अंदर एक स्पेशल चीज़ और भी ऐड करेंगे जिससे इसका टेस्ट और भी मज़े का होगा। इसका पानी थोड़ा सा रह गया, ये ड्राई होने वाला है। अगर आप मेरी वीडियो में नए हैं, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं तो मुझे सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अब हमने एक नीडो का पैकेट लेना है, ये नीडो का एक पैकेट है और वो मैं इसके अंदर शिकायत मान रही हूँ, वो डाल दी लगी इसके अंदर। इससे टेस्ट व्यूअर्स बहुत मज़े का हो जाएगा। आपको इसके खोए का टेस्ट आएगा, मज़ेदार लगेगा बहुत आपके लिए। आप लोग इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। अब हम इसको दम पे रखने लगे हैं, 20 मिनट इसको हम अब दम पे रखेंगे। उसके बाद फिर हम आपको इसकी फाइनल लुक दिखाएंगे और आपको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी व्यूअर्स, हम लोगों ने दम लगाया हुआ था, इसको हमने 25 मिनट है जो हमने इसको दम लगाए रखा है। अब हम इसको खोल के इसकी लुक देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए व्यूअर्स, हमारे जो सवैयाँ हैं वो रेडी हो गई हैं। आप लोग देख सकते हैं इनका पानी जो है वो बिल्कुल ड्राई हो गया है। अभी हम आपको इसको डिश आउट करके दिखाएंगे। जी ये देखें, हमारी गर्मा गर्म सवैयाँ, मज़ेदार सवैयाँ बनके रेडी हो गई हैं। अभी इसके ऊपर आप लोग कुछ भी डाल सकते हैं, इसके ऊपर किशमिश डाल लें, इसके ऊपर खोपरा डाल लें, इसके अंदर बादाम डाल दें, इसके अंदर जितनी भी चीज़ें हम लोग इसके अंदर ज़्यादा जो है ड्राई फ्रूट ऐड करेंगे, इसके टेस्ट और भी अच्छा हो जाएगा। व्यूअर्स, आप लोग ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े की बनेगी। जी आप लोग देखें, अब हम फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात करेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।